हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले हैं दूसरे घर पे, जहाँ पे मेरी गाय रहती है, वहाँ पे जाने वाले हैं, गौशाला जहाँ है। तो वहाँ पे पूजा होगा, क्योंकि मन्नत थी उनके गले में, गाय के गले में ना कुछ रोग हो जाता है, ऐसे गला घोटू रोग की कौन सा हो गया था। तो मम्मी मन्नत मांगी थी कि मतलब ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ पे हलवा पूरी चढ़ाऊंगी। तो वहीं हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। दोनों गाय अच्छी हो गई हैं, स्वस्थ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बीमार थी, दोनों की दोनों हो गई थी बीमार, मतलब कुछ खाना वाना सब छोड़ दिया था इन्होंने। तो अभी ठीक हो गई हैं, अच्छा हो गया है, 2 महीने हो गया, 1-1.5 महीने लगभग हो गया ठीक हुए। तो आज इस टाइम नवरात्र का टाइम चल रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर गए हैं। और ये मेरी छोटी वाली गाय थी जो मेरे फोन में एकदम घुस जा रही है, ये मेरे मायके से आई हुई है। तो देखिए, यहाँ पे मम्मी दरुआ पकाती हैं गाय के लिए, इस पे रखा है उन्होंने चावल, और यहाँ चूल्हे पे बनेगा पूड़ी, हलवा बनेगा, सब्जी भी बनेगी, आलू सुबह का ही उबाल चुकी हैं, और मसाला वगैरह पीसकर हम लोग घर से ही लाए थे। तो अभी मैं आटा गूंथ रही हूँ, फिर उसके बाद छनेगा, फिर हलवा बनेगा, फिर उसके बाद सब्जी बनेगा। तो इधर प्रांशु के पापा परेशान हो रहे हैं प्रांशु से, और वो अपने पापा के ऊपर गोद से उतर ही नहीं रहा है, इसलिए वो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अभी तक वो भी नहीं नहाए हैं, बहुत सारे काम हैं उनको करने के लिए। तो मम्मी गई है नहाने, मैं इधर आटा गूंथ रही हूँ, तब तक मम्मी आ गई नहाकर, फिर आग जलाया, और उसके बाद मैं पूड़ियाँ छान रही हूँ, इसमें वो बेल रही थी। तो अभी पूड़ियाँ हो चुकी हैं, इसमें ज़्यादा रिफाइंड ऑयल था तो उसको मैं निकाल रही हूँ, इसमें देसी घी डालूँगी थोड़ा सा। तो इसमें पहले कटोरी में जितना एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल लेती हूँ, और इसमें पानी लगा था, इतना तेज़ छटक रहा था ना, जैसे लग रहा था हाथ जल जाएगा। तो एक दो मतलब छिटका ऐसे हाथ पे आया भी था, लेकिन इतना दूर था कि ठंडा हो गया था, जला नहीं, मेरा हाथ बच गया। तो मैंने अब इसमें डालूँगी आटा, मम्मी घोल बना रही हैं आटे का, इसमें आटा भूनकर नहीं डाला जाता चढ़ाने के लिए, मतलब कच्चे आटे का ही हलवा बनता है, ऐसा नहीं है कि इसको घी में भून लेंगे फिर उसके बाद पानी डालेंगे, ऐसे नहीं बनेगा। मतलब इसको पानी डाल के उसका घोल बना लेंगे, और घी रहेगा, गरम घी रहेगा, मतलब अच्छा खासा गरम रहेगा, फिर उसमें डाल देंगे इसको, और चीनी डाल के अच्छे से पका लेंगे, घी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इसमें। तो इस तरह से चढ़ाने के लिए हलवा बन जाता है। तो अब मैं आग जलाकर इसे अच्छे से पका लूँगी, और आग जलाए चूल्हे पे बहुत दिन हो गए। तो देखिए, इधर इतनी पूड़ियाँ बन चुकी है और मेरा हलवा इतना सा बन रहा है, मतलब कुछ कुछ लोगों को दिया भी जाएगा ना, दो दो पूड़ियाँ प्रसाद के रूप में ऐसा दिया जाएगा। तो इधर आलू था, अब ये चढ़ाने के लिए मैं निकाल रही हूँ, दो दो पूड़ी है और उस पर हलवा रख रही हूँ, और इस पे दो दो बतासा भी रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो ये है कूटा, और वहाँ पे पत्थर भी मम्मी ने रखा है, जैसे जैसे बताई थी वो वैसे वैसे हम लोग पूजा कर लेते हैं दोनों लोग। यहाँ पे गाय रहती है तो यहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि गाय रहती हैं जहाँ पे, वहाँ पे गोबर वगैरह रहता है, थोड़ा सा गंदा रहता है, गंदा क्या रहता है, अब गाय हैं तो फिर इतना तो रहेगा ही, इसलिए मक्खियाँ यहाँ पे ज़्यादा रहती हैं। ठंडा रहता है यहाँ पे, पानी वगैरह इधर उधर गिरा रहता है तो ठंडा रहता है, इसकी वजह से भी ज़्यादा रहती हैं। तो हम लोगों ने पूजा कर लिया है, मैं गई थी जल चढ़ाने, बगल में ही नीम का पेड़ है, और ये मैं अपनी प्यारी सी गाय सोमर, नाम है सोमरी, मेरी मम्मी रखी थी, मेरी मतलब मायके वाली मम्मी रखी थी, और मैंने इनको तो पूरी बतासे हलवा खिलाया और पैर छुआ। ये तो मुझे मारने के लिए पहले से ही दौड़ती है, जब भी देखती है तभी मारने के लिए दौड़ती है, और गुस्से में हमेशा रहती है, पता नहीं क्यों। तो इसको मैंने दूर से ही प्रणाम किया, और ये है मेरी प्यारी सी सोमर, इसीलिए मैं जब भी आती हूँ ये मुझसे एकदम बहुत अच्छे से रहती है, अभी नहीं मतलब यहाँ गेट के पास है ना, नहीं तो यहाँ पे रहती तो अच्छे से मेरे साथ, मेरे सिर पे अपना सिर रख के ऐसे बैठी रहती है, बहुत अच्छी है। मैं भी आती हूँ तो इसके लिए अलग से रोटी वगैरह लेकर आती हूँ, कभी कभी तो जाती हूँ 2-3 महीने पे इससे मिलने। तो आज पूजा करना था इसलिए मैं आई थी। तो इन दोनों बहनों का मतलब मौसी बिटिया जो भी हो इनका रिश्ता, इन दोनों का पूजा हो चुका है। अब मैं यहाँ से पूजा की सामग्री और जो भी है प्रसाद वगैरह हटा लेती हूँ,
और हम लोग चलते हैं खाना खाने। और यहाँ पे थे भैरव बाबा, मतलब कुत्ता यहाँ पे था, तो मैंने सोचा उसको पूड़ी दे दूँ, लेकिन ये सब पता नहीं कौन से युद्ध पे जा रहे हैं, 3-4 झुंड में कुत्ते थे और भाग गए वहाँ से। फिर मैंने वो प्रांशु को दे दिया, फ्रांसी भी उसको कुत्ता ही बोलती है अपने बाबू को, कभी कभी गुस्से में बोलती है, तो एक कुत्ता घर में है, मैंने उसको भी दे दिया ये। तो ये दोनों देखिए, यहाँ पे पानी रहता है गाय के लिए, तो वो वहीं पे खेल रहा है, वो मग्गा पा जाएगा पूरा, ऊपर पानी गिरा लेगा, हमेशा उसको पकड़ना होता है। और मम्मी यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हैं, यहाँ पे गोबर हो गया है, गाय है तो इसको मम्मी यहाँ से हटा देंगी, फिर चलेंगे खाना खाने। अभी पापा आएंगे, पापा खाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे। मम्मी यहाँ पे सब्जी बना रही हैं, बन जाएगा तब तक मैं बाबू को खिला लेती हूँ, वो भी कब से ऐसे ही गंदा फंदा घूम रहा है। और इधर महारानी लोग सो रही हैं, अभी आराम से एकदम रेस्ट कर रही हैं, ऊपर पंखा लगा है, दोनों लोगों को अलग 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 पंखा लगा है, किसी को गर्मी नहीं लगती है। और नीचे ये लोग आराम से सोई हैं, ये लोग लैट्रिन टॉयलेट वगैरह करती हैं, तो यहाँ से बह जाता है, नाली बना है यहाँ पे। तो मैं प्रांशु को लेकर मालिश वगैरह करके इनको खिला रही थी, पापा खाना खा रहे थे, और वो खाना खाने के बाद बाबू को ले जाएंगे, फिर मैं और मम्मी खाना खाऊंगी। तो ये मैं चक्कू ले जा रही थी देने के लिए, धनिया में डालने के लिए, धनिया काट कर डालने के लिए सब्जी में। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मस्ती किए यहाँ पे और 2-4 सेल्फी लिए, मैं और बाबू। प्रांशी तो थी नहीं, वो घूम रही थी इधर से उधर, तो मैं दोनों माँ बेटे ही सेल्फी लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने की पेट पूजा, बाबू तो चला गया। फिर उसके बाद मैं निकल रही हूँ घर के लिए, तो यहाँ पे रहती हैं दादी और यहाँ पे है मेरी बिटिया, डांस कर रही है, पता नहीं कौन सी खुशी में डांस कर रही है, शायद इसकी मम्मी यहाँ पे आई है, इसी खुशी में कर रही होगी डांस। तो ये है दादी मेरी जहाँ पे रहती हैं, ये गाय के पास में ही है, अपोजिट साइड में है, इस साइड है गाय तो उस साइड है यहाँ पे दादी का घर। अरे यार, मतलब हम लोगों का ही है, तो यहाँ पे दादी रहती हैं। तो चलिए उनका रूम दिखाते हैं, ये चाची की गाय रहती है यहाँ पे, ये सब चाची की गाय हैं और हम लोगों की गाय वहाँ पे हैं। यहाँ पे दादी दोपहर में, मतलब दोपहर में नहीं सोती, सुबह शाम रात में यहीं पे सोती हैं। और यहाँ पे इसके अंदर एक है दरवाज़ा, यहाँ पे इस घर में रहती हैं दादी। अभी सोई हैं, आप लोगों को दिखा होगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, मैं आ गई हूँ घर पे। यहाँ पे प्रांशी सो गई है और प्रांशु सो गया है, इस टाइम रात के बहुत 10:30 बज रहे हैं लगभग। तो इधर प्रांशु के पापा भी सो रहे हैं, हल्के फुल्के नींद में हैं। और मैंने घर का काम कर लिया, बर्तन वगैरह धो लिए, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मेरे यहाँ सभी लोग सो गए हैं, मतलब मेरे घर के लोग सभी लोग सो गए हैं। और प्रांशु के पापा अभी को जग गए हैं, ताकि उनको फ़ोन में देखना था और मुझे मेरे फ़ोन से ही चलाएंगे, मतलब हॉटस्पॉट ऑन करवा के। तो इधर बच्चे सो गए हैं और मेरा बर्तन वर्तन सब कुछ धुल गया है, और कल के लिए बहुत सारे काम कम हो गया है। बर्तन धोना रहता है तो 1-1.5 घंटा तो उसी में निकल जाता है, तो अभी मैं ये सबसे बड़ा वाला काम करके आ गई हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर।